हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर। दो रुकनी बेंच ने 1-1 करोड़ के दो मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। फैसले पर अदालती अहाते में लीगी कारकुनान ने जश्न मनाया, क्यादत से इजहार यकजहती के नारे लगाए। अदालती वक्त खत्म होने पर हमजा शहबाज की रिहाई कल तक मुअक्कर। मरियम नवाज का हमजा शहबाज की जमानत पर इजहार तशक्कुर, फैसला हक की फतह करार दे दिया। जाती उम्रा में मीडिया टॉक के दौरान हमजा शहबाज की कुर्बानी पर खराज तहसीन, बोली हुक्मरानों को जुर्म बेगुनाही में 20 माह की कैद का हिसाब देना होगा। मरियम नवाज का NA-75 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा, बोली हुकूमत धांधली की मुजरिम और वजीर आजम नामजद अगवाकार। सेनेट इलेक्शन के लिए अपोजिशन के राबते, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर आमद, पार्टी इजलास की सदारत। बिलावल कल मरियम नवाज से मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा महंगाई और गुर्बत ने हर शहरी को परेशान कर दिया। PDM ने हुकूमत को बेनकाब किया, कोई भी इलेक्शन हो हुकूमत को टफ टाइम देंगे। एहतसाब अदालत में बड़ी पेशी पर बड़ी मुलाकात, यूसुफ रजा गिलानी की शहबाज शरीफ से सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। NA-75 के जिमनी इलेक्शन पर भी बातचीत, शहबाज शरीफ का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी टेलीफोन। सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन पर बातचीत, पीपी रहनुमा से मुलाकात बारे भी आगाह किया। सेनेट इंतखाबात, हुकूमत को सख्त मार्का दरपेश, वजीर आला अलर्ट हो गए। इलेक्शन मुहिम के सिवा पार्टी की दीगर तमाम पार्टी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। उम्मीदवारों को अरकान असेंबली के घरों पर जाकर राबतों का टास्क, रोजाना राबतों की रिपोर्ट भी मांगी गई। सरकारी अराजी पर कब्जे में लाहौर सबसे आगे, सरकारी अमल दरामदी नुमाइशी, इंतजामिया के दावे झूठे, कार्रवाई फोटोशूट तक महदूद। दस्तावेजात में इंकशाफ, 342 अरब की 37,000 केनाल से जायद अराजी पर तहाल कब्जा माफिया का कंट्रोल, कारकर्दगी बेनकाब होने पर टास्क कमिश्नर के हवाले कर दिया गया। कागजी मंसूबों पर जाली अदायगियां, लाहौर ड्यूटी क्वीन बनाने का दावा बेनकाब। 11 करोड़ की बोगस अदायगियों को अहम शाहराहें खूबसूरत बनाने के जाली मंसूबे पर लगाया गया। जल्लो मोड़, वॉल्टन, गुलशन रावी, शादमान, बदस्तूर बयाबान, जेबें भर जाने पर अफसर शादान ओ फरहान, साबिक DGPHA डॉक्टर राहिल, साबिक डायरेक्टर फाइनेंस नदीम खान के खिलाफ तहकीकात शुरू, फील्ड अफसर से रिकॉर्ड तलब, निजी बैंक इंतजाम में भी शामिल है तफ्तीश। LWMC में धुंध छा गई, फोरेंसिक रिपोर्ट में झूठा अफसर ताहल ओहदे पर बराजमान। आसिफ इकबाल ने DGM पोस्ट के लिए PhD का झूठा दावा किया। साल में खिलाफ कानून दो तरक्कियां भी ली, मिली भगत से इंक्वायरी में हकायक तब्दील करने का इंकशाफ हुआ। जायदाद टैक्स बचाने वाले लाहौरी खैर मनाए, अदालती हुक्म इम्तनाई की आड़ लेने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब हुकूमत ने नादहिंदगान पर हाथ डालने के लिए कानून बदल डाला, अदालती हुक्म के बावजूद प्रॉपर्टी सरबमोहर की जा सकेगी। इब्तदा में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई हो। लाहौर सिग्नल फ्री बनाने का मंसूबा, शेरावाला फ्लाईओवर के लिए फंड्स मंजूर। PND बोर्ड 5 अरब 26 करोड़ 31 लाख खर्च करेगा। माहौलियाती एंडोमेंट फंड मैनेजमेंट यूनिट की भी मंजूरी, 13 करोड़ के फंड्स मिलेंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की तकमील, वजीर आला की भरपूर मॉनिटरिंग, 191 अरब खर्च हो चुके, काम कहाँ तक पहुँचा, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। स्कीम्स मुकर्रा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत जारी। कम तनख्वाहों पर 1 लाख असातिज़ा की आर्जी भर्ती का मंसूबा, पहले मरहले में 6 अज़ला हदफ, 400 तैनातियाँ प्लान। पंजाब टीचर्स यूनियन की मजम्मत, कम उजरत पर दिहाड़ीदारों की भर्ती की मुखालफत, मुतालबा। यकम अप्रैल से रमजान रिलीफ पैकेज, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 19 अशिया पर सब्सिडी का ऐलान। आटा, दालें, चावल, चीनी, घी, तेल और बेसन रियायती नरखों पर मिलेंगे। पैकेज पर अमल दरामद इक्तिसादी तआवुन काउंसिल की मंजूरी से मशरूत है।
करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का भी शहरियों के लिए रमजान पैकेज का फैसला। अशाय फरनोश पर 20% तक रियायत का ऐलान कर दिया। महंगाई के ताबड़तोड़ वार, परेशान हो गया दिहाड़ीदार। बढ़ती कीमतों से परेशान रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। लारी अड्डा बादामी बाग पर मुजाहरा। ठेकेदारों और एडमिनिस्ट्रेटर्स की भत्ताखोरी की भी मजम्मत। कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2003 में तरमीम। प्रिंसिपल्स और एमएस की तकरारी का इख्तियार वजीर आला के हवाले। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के कवानीन और हिदायत भी वजीर आला की मंजूरी से जारी हुई। मेडिकल एडमिशन की मेरिट लिस्ट में तब्दीली का इल्जाम। हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हुकाम को कल तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का 3 नए तलबा को शामिल करने का दावा। लिस्ट मंसूख करने की इस्तेदा। वकला की जाली डिग्रीज के खिलाफ हाई कोर्ट में समा। पंजाब यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार। VCPU 10 मार्च को तलब। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए। सब डिग्रीज की तस्दीक होनी चाहिए। अदालत जजेस की डिग्रीज की तस्दीक के लिए भी तैयार है। वॉल्टन एयरपोर्ट पर कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर का मंसूबा चैलेंज। हाईकोर्ट जज जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि इतना बड़ा इशू है, असेंबली से मंजूर क्यों नहीं करवाया। ऑर्डिनेंस 90 रोज बाद भी गैर मुअसर हो जाएगा तो क्या होगा। पंजाब हुकूमत से इस्तफसार, जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। नाराज बीवी खुद से बेवा बन गई, खावन को जीते जी मार डाला। लाहौर की तारीख का अनोखा केस। बिजनेसमैन की अहलिया पर नादरा रिकॉर्ड तब्दील करवाने का इल्जाम। जिला कचहरी में मुकदमे की समाअत। मुदई शौहर ने बयान रिकॉर्ड करवाया। सेशन कोर्ट में अहलिया की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। खातून का खावन के साथ जाने से इनकार। सैनेट इंतखाबात का दंगल, गहमा गहमी में इजाफा। इलेक्शन कमीशन की पहली फहरिस्त जारी। जनरल सीट्स पर 17 खातीन नशिस्तों के लिए 3 नामजदियां मंजूर। 2 टेक्नोक्रेट्स के लिए 2 उम्मीदवार। कागजात वापस लेने की कल आखिरी तारीख। सेनेट इलेक्शन, अपोजिशन का जनरल नशिस्तों पर 3 की जगह 4 उम्मीदवार लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने PP उम्मीदवार की हिमायत कर दी। लीगी MPAs दूसरी तरजीह पर वोट, राजा अजीम हक को वोट दें। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का असर रसूख। जाबदे की कार्रवाई मोम की नाक बन गई। लेस्को के SDO को कनेक्शन मुनकता करने जाना महंगा पड़ गया। साबिक खातून अफसर राना अहमद की शिकायत पर ताहिर सत्तार को बरतरफ कर दिया गया। फोक गुलूकार, जिंदा दिल इंसान, मुस्कुराहटें बिखेरने और दिल मोह लेने वाले आरिफ लोहार City 42 के मेहमान। अहम शख्सियत की दिलनशी गुफ्तगु, गायकी का मुजाहरा। नाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच मोहम्मद जाहिद मुस्ताफी। साबिक फास्ट बॉलर जाती वजूहात की बुनियाद पर अहदे से दस्तबरदार हुए। बोर्ड हुकाम का मुतबादल की तकरारी पर गौर खोज शुरू हो गया। क्रेसेंट मॉडल स्कूल में असामुल हक लॉन टेनिस कोर्ट का अफ्तिताह। टेनिस स्टार असामुल हक तकरीब के मेहमान खसूसी। आर्मी स्टार को क्रेसेंट मॉडल स्कूल के साबिक तालिबे इल्म होने का एजाज भी हासिल। और कौमी हॉकी के अरूज का दौर वापस लाने की कोशिशें। PHF का नेशनल स्टेडियम में टैलेंट हंट कैंप। मुल्क भर से 22 खिलाड़ी शरीक। सेक्रेटरी फेडरेशन आसिफ बाजवा और चीफ सेलेक्टर मंसूर जूनियर ने कैंप का जायजा लिया।